नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और आप सभी लोगों का एक बार फिर से री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पूर्व में संविधान एवं राज्य व्यवस्था को लेकर के कई कक्षाएं पूरी की जा चुकी हैं और उसी क्रम में आगे जोड़ते हुए हम आज का टॉपिक निर्धारित किए हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास है, भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास या भारत का संवैधानिक विकास है, जिसके अंतर्गत हम दो चरणों में या दो भागों में भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस पर हम आज का क्लास जो है प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ है। एक कंपनी के अधीन हुआ है, एक क्राउन के अधीन। क्राउन का तात्पर्य ब्रिटिश शासन से है। बेसिकली भारत का जो संवैधानिक विकास है, अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है, मूलभूत कानून का संवैधानिक ढांचा होता है, वो किसी एक दिन में एक समय पर नहीं बन पाता है, बल्कि संविधान बनने के पूर्व उसी से संबंधित प्रावधानों का, उसी से संबंधित व्यवस्थाओं का धीरे धीरे विकास होता है और एक निश्चित समय पर उन सभी व्यवस्थाओं को समुचित करके एक कानून बना दिया जाता है। वो देश का संविधान होता है जिसके माध्यम से देश का शासन संचालित किया जाता है। देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो सेम व्यवस्थाएं भारत के संदर्भ में रही हैं कि भारत के संविधान का एक लंबे समय से विकास होता रहा है। यहाँ पर ये सवाल उत्पन्न होता है कि भारत के संविधान का विकास कब से माना जाए। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि संविधान का विकास वहाँ से माना जा सकता है जहाँ से की गई व्यवस्थाएं भारत के संविधान का किसी न किसी रूप में अंश बनी है। तो ऐसी स्थिति में भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद अनेक कानून और अधिनियम, चार्टर एक्ट बनाए गए हैं जो ब्रिटेन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी बनाई जाती थी। तो ऐसी स्थिति में संसदीय शासन व्यवस्था और ब्रिटेन के द्वारा उन एक्ट को, उन नियमों को क्रियान्वित करने के कारण से उन अधिनियमों और नियमों का भारत के संविधान में अपना स्थान रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश शासन व्यवस्थाएं जब से भारत में आई और यहाँ पर अलग अलग कानून उन्होंने बनाया, उन सभी कानूनों का भारत के संविधान में योगदान है। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत के अंतर्गत कंपनी प्रारंभ में थी, बाद में क्राउन था, तो कंपनी कब अपना जो है कदम यहाँ पर स्थापित किया, अपना पैर जमाया और कब से उन्होंने नियम कानून का सहारा लिया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा तो बहुत पहले ही अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है आगमन हो गया था, लेकिन दो महत्वपूर्ण युद्ध जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर रहने और व्यापार करने तथा शासन करने के स्वरूप में परिवर्तन किया, निर्णायक रहे, वह हैं 1764 ईस्वी और 1757 ईस्वी के दो महत्वपूर्ण युद्ध। 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, इन दोनों ही निर्णायक स्थिति में रहे। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अंग्रेजों की शासन सत्ता को स्थापित करने के लिए कौन सा युद्ध या कौन सा क्षण या कौन सी घटना ऐसी थी जो निर्णायक स्थिति में रही। तो इसका उत्तर ये है कि 1764 का बक्सर का युद्ध, यद्यपि इसके पूर्व में 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसने भी अंग्रेजों के कार्य करने की दिशा और व्यापार करने के स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन उसने महत्वपूर्ण मोड़ दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा अंग्रेजों की शासन सत्ता की स्थापना में, लेकिन निर्णायक स्थिति बक्सर के युद्ध के बाद प्रारंभ होता है जिस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के पैर को मजबूत कर दिया। 1764 ईस्वी युद्ध के बाद यहाँ पर समझौते किए गए और समझौते के परिणाम स्वरूप यहाँ पर राजस्व से संबंधित कई प्रकार के अधिकार उनको प्राप्त हो गए, जिससे कंपनी के द्वारा यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित की जाने लगी और अलग अलग तरीकों से धनार्जन किया जाता रहा। तो ऐसी स्थिति में 1765 ईस्वी से उनके द्वारा यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई। तो 1765 ईस्वी से ये माना जाता है कि भारत में 1765 ईस्वी से
व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप और सारी चीजें प्रारंभ हो गई थी। तो इसका चरण देखा जाए तो 1765 से प्रारंभ होता है और 1772 ईस्वी तक ये गतिविधियां चलती रही, जिसे द्वैत शासन के रूप में भी कई कई जगहों पे उल्लेख मिलता है, क्योंकि दोहरी व्यवस्थाएं दीवानी और राजस्व से संबंधित मामलों का बंटवारा था, तो इसलिए इसको द्वैत शासन भी कहा जाता है। 1772 ईस्वी में कंपनी के द्वारा यहाँ पर अपने कार्य को विस्तृत करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में कंपनी ब्रिटिश शासन के पास गई और अपने कार्यकाल के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने धन मांगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर कंपनी के कार्य का आकलन और मूल्यांकन किया गया और यह पाया गया कि शायद यहाँ पर कंपनी के द्वारा कई भ्रष्टाचार से के कार्य किए जाते रहे हैं और भ्रष्टाचार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन ने कंपनी के मामलों में और नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में जो कदम उठाया और नियंत्रण की दिशा में कदम उठाने के साथ साथ उसे यहाँ पर कार्य करने और व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दिया। और ऐसी स्थिति में उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए तथा कुछ अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एक्ट उसने बनाया और वो एक्ट था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यह पहला महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके द्वारा भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में कई प्रावधान किए गए, यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में प्रशासनिक एकीकरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहां पर गवर्नर और गवर्नर जनरल गवर्नर और गवर्नर जनरल यहां पर बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसके बाद उसे बंगाल का गवर्नर जनरल इस एक्ट के माध्यम से बना दिया गया। जनरल का मतलब वह ब्रिटिश क्षेत्र पर सभी क्षेत्रों पर नियम कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दिया गया और इस अधिनियम के माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के साथ साथ मद्रास और मुंबई के भी क्षेत्र को अपने अधीन ले आया। ऐसी स्थिति में विधायी शक्तियां उन दोनों क्षेत्रों की भी वॉरेन हेस्टिंग्स के पास आ गई। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल हो गया और जहां पर वो गवर्नर होते हुए केवल बंगाल का गवर्नर था, अब वो जनरल होने के बाद जो है बंगाल, मुंबई और मद्रास इन तीनों क्षेत्रों का गवर्नर हो गया। यद्यपि वहां पे उन दोनों ही क्षेत्रों में गवर्नर बने रहे, वहां की क्षेत्रीय व्यवस्था में अपना कार्य करते रहे, लेकिन इसे गवर्नर बंगाल के गवर्नर के साथ साथ पूरे परिक्षेत्र का, पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था की गई, एक न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में न्यायालय की व्यवस्था की गई, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय में चार न्यायाधीश होते थे, चार न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा एमपे था। एलिजा एमपे ये पूर्व में भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी इससे सवाल बनता है, जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो एलिजा एमपे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और तीन अन्य न्यायाधीश लिविंस्टर, जॉन हाइट और रॉबर्ट चैम्बर थे। तो तीन अन्य न्यायाधीश के साथ एक मुख्य न्यायाधीश, चार न्यायाधीश थे। तो इस तरीके से अगर इन न्यायाधीशों को एक लाइन में कहा जाए तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि लिविंस्टर चैम्बर में जाके छुप गए। अगर इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए छुप गए
छुपना हाइड और चैम्बर नेम लिमिंस्टर नेम, तो यानी कि इस वाक्य में देखा जाए तो इन तीनों जजों का नाम आ जाता है, जो आपको इन तीनों जजों के नाम को याद करने में आसानी होगी। कई बार इससे जो है कूट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो एलिजा एम्पे, लिमिंस्टर, चैम्बर और हाइड, ये तीन व्यक्ति थे, लिमिंस्टर थे और रॉबर्ट चैम्बर और जॉन हाइड थे। तो इस वाक्य में देखेंगे तो तीनों न्यायाधीश आ रहे हैं, तीनों न्यायाधीश से संबंधित नाम आ रहा है। आपको याद करने में आसानी होगी कि लिमिंस्टर चैम्बर में छुप गए, छुपना हाइड से आप देख लेंगे और चैम्बर उसमें नाम है, लिमिंस्टर नाम है। तो इस तरीके से यहाँ न्यायालय में पहली बार जो भी न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम आपको याद करने में आसानी होगी। पूर्व में भी मैंने क्लास लेने के दौरान प्रिपरेशन के डायमेंशंस की चर्चा किया था कि उसके कई डायमेंशंस हैं और आप अपनी तैयारी को पूर्ण तभी दे सकते हैं जब आप प्रिपरेशन के डायमेंशंस को यूज करेंगे। आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे, हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन तरीकों में से ये भी एक तरीका है जिससे आपको सीखने और इसी तरीके के अन्य नियम कानून और तरीके फार्मूले खोजने के लिए आपको प्रेरित होना होगा। तो इस तरीके से आप अपने तैयारी में अलग अलग डायमेंशंस को यूज करेंगे, आप अपनी तैयारी को आसान बनाएंगे और अपने आप को आत्मविश्वास लाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरी व्यवस्था जो है वो न्यायालय की थी और ये न्यायालय 1974 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसमें एक व्यवस्था गवर्नर जनरल की हो गई, ये हो गया। तीसरा जो यहाँ पे प्रावधान था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से यहाँ पर संसदीय नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया गया और इसको प्रभावी बनाने के लिए राजस्व से संबंधित मामले, सैन्य मामले, नागरिक प्रशासन से संबंधित मामले, इन सभी मामलों से संबंधित सूचना को ब्रिटिश शासन को देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन पर नियंत्रण को और अधिक जो बढ़ाया गया ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, रोका जा सके। यद्यप कंपनी तो कंपनी ही थी, वो अधिक से अधिक धन लोलुपता और धन कमाने के सिद्धांत पर काम करती थी, जो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने अपने हाथकंडे को अपनाया और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन करने की दिशा में बढ़ रही थी। तो इस तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से तीन प्रकार के जो मामलों, वाणिज्य, सैन्य और नागरिक मामले, नागरिक मतलब सिविल मामले भी होते हैं इसको बोलते हैं, नागरिक मतलब सिविल मामले, इन तीनों से संबंधित मामलों के बारे में ब्रिटिश शासन को सूचना देना आवश्यक कर दिया गया। तो इस तरीके से यहां पर ये देखेंगे कि तीसरे प्रावधान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। चौथा प्रावधान जो अंतिम है और महत्वपूर्ण भी है, इसके माध्यम से कंपनी के निजी व्यापार, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा निजी व्यापार को रोक दिया गया, उनके माध्यम से रिश्वत और उपहार, इन दोनों चीजों को भी देने पर रोक लगा दिया गया। तो अगला सबसे महत्वपूर्ण जो है वो निजी व्यापार को रोक दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से चार महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे और इन चारों महत्वपूर्ण प्रावधानों में देखेंगे कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है जो छूट रहा है, वो एक चार सदस्यीय परिषद भी इसके लिए बनाई गई थी व्यवस्था, और चार सदस्यीय परिषद के द्वारा वो अपना काम करते थे। परिषद जो है वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेती है। तो यहाँ पर चार सदस्यीय, यहाँ पर चार न्यायाधीशों की व्यवस्था, तो इसमें चार न्यायाधीश थे, इसमें चार सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी और ये पूरे में देखेंगे तो एक, दो, तीन और चार, ये चार महत्वपूर्ण प्रावधान भी थे। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। इसमें चार महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पहले में जो है चार सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, दूसरे में चार न्यायाधीशों से युक्त न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, और तीसरा, चूंकि तीसरा है इसलिए इसमें तीन ही प्रावधान है, वाणिज्य, सैन्य और नागरिक मामले। तो ये सब आपको याद करने के संकेत हैं। इन संकेतकों का प्रयोग करते हुए आप अपने स्मरण शक्ति को और बेहतर बना सकते हैं
अपने अध्ययन सामग्री पर और नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें चार महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और चारों को याद करने के कुछ न कुछ तरीके आप लोगों को बता दिए गए। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देश में प्रशासन के लिए और व्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य की दिशा में काफी कुछ परिवर्तन किए गए थे। अगला महत्वपूर्ण जो एक्ट है वो पिट्स का इंडिया एक्ट है, जिसे 1774 ईस्वी में पारित किया गया था। पिट्स का इंडिया एक्ट बेसिकली कंपनी के कार्यों को वर्गीकृत करने और स्पष्ट करने, उस पर नियंत्रण बनाने की दिशा में ब्रिटिश शासन के द्वारा लिया गया एक अगला महत्वपूर्ण कदम था। जैसा कि आप देखते रहेंगे कि आने वाले समय में उत्तरोत्तर ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते रहे हैं जो कंपनी पर नियंत्रण के रूप में महत्वपूर्ण हथकंडे माने जाए। तो इस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक इन दोनों ही प्रकार के कार्यों में वर्गीकरण कर दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिट्स का इंडिया एक्ट है वो किसके लिए जाना जाता है, वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के वर्गीकरण के लिए। यहाँ पर एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम, एक निकाय की व्यवस्था की गई जो इन कार्यों को देखता था और इसकी रिपोर्टिंग ब्रिटिश सत्ता को करता था, वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखा जाता रहा और इसकी रिपोर्टिंग ब्रिटिश शासन को किया जाता रहा। तो पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, इन दोनों कार्यों को वर्गीकृत कर दिया गया। पिट्स का इंडिया एक्ट के बारे में एक और महत्वपूर्ण सूचना जो निकल करके सामने आती है कि एक ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन में मतभेद की स्थिति हो गई और यह पहला अवसर था जब सरकार इस एक्ट को लेकर के भारतीय मामलों पर घिर गई थी। तो वहां पर सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो ये भी जानना एक महत्वपूर्ण है कि कभी कभी साक्षात्कार में किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एक्ट था जिस पर मतभेद के कारण सरकार गिर गई थी, तो वो है पिट्स का इंडिया एक्ट। तो इस तरीके से इसमें ये प्रावधान किए गए। 1793 का एक्ट बनाया गया था, कोई खास बहुत परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि ये एक्ट बनाया गया था इसलिए इसका यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक था, इसलिए मैंने इसको सारणीबद्ध रूप में लिख दिया था और इसके माध्यम से भी कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और कंपनी के मामलों में शासन का नियंत्रण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला महत्वपूर्ण एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट है। 1833 का चार्टर एक्ट यहाँ पर तीन है और यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं। 1813 और 1833। 1813 के इस तीन से तीन महत्वपूर्ण प्रावधान निकल करके सामने आते हैं। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन और चाय, चा से चीन और चा से चाय, दोनों में चाचा है, याद करने में आसानी के लिए चीजें बोली जा रही हैं। और आप अपनी पढ़ाई में, चाहे वो संविधान राज व्यवस्था का विषय हो या भूगोल हो या इतिहास हो या इसी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स निबंध, जो भी विषय हो, आप इन तरीके के याद करने के, स्मरण करने के संकेतकों का प्रयोग कीजिए, नए नए फॉर्मूला डेवलप कीजिए जिससे आपको अपने अध्ययन सामग्री पर पकड़ बन सके और अपने आप को आत्मविश्वास मिला करके आप एग्जाम में जाइए। तो इस तरीके से बीच बीच में चीजें आप लोगों को इसीलिए बताई जाती रही हैं। तो चीन और चाय के साथ कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया लेकिन पूर्ण रूप से व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
चीन और चाय के साथ अभी भी एकाधिकार बनाए रखा गया। आप देखेंगे अगले एक्ट में इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। इसका प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रावधान थे वो ये थे, प्रभाव इसका ये हुआ कि एकाधिकार समाप्त करने के कारण कि भारतीय जो बाजार थे वो विदेशी वस्तुओं से पट गया था। यहाँ पर और भी सामान आने लगे और भी कंपनियां ब्रिटेन से आने लगी, जो भी मार्केट को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो इस तरीके से चीन और चाय के एकाधिकार को छोड़ करके कंपनी के अन्य एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो ये है कि इसके माध्यम से प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए का जो है शिक्षा के लिए प्रावधान, यहाँ पर महत्वपूर्ण है किसके लिए किया गया था, 1,00,000 रुपए जो है शिक्षा के लिए हर वर्ष देने की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ये सारी व्यवस्थाएं भारत से ही की जाती थी, उसका अंग्रेजी शासन सत्ता से कोई ताल्लुकात नहीं थे। अगली महत्वपूर्ण जो विशेषता थी जो कि 1813 के 3 से 3 महत्वपूर्ण प्रावधान निकल के सामने आए थे, वो ये था कि ईसाई मिशनरी ईसाई मिशनरियों का आगमन यहाँ पे प्रारंभ हो गया। ईसाई मिशनरी आने लगे और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव था उसका वो ये था कि इसके द्वारा भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, क्योंकि ईसाई मिशनरी जब आएंगे तो वो अपने कल्चर को लाएंगे यहाँ में, उसका विस्तार करेंगे, फैलाने का काम करेंगे। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इन सभी लोगों के आगमन, रहने, खाने, प्रचार प्रसार के खर्च का बोझ भारतीय राजकोष पर दे दिया गया। ऐसी स्थिति में इनका आना न केवल सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप बल्कि राजकोष पर भी जो है दबाव के रूप में जाना जाता है। तो 1813 ईस्वी की चार्टर एक्ट के माध्यम से ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। अब हम आते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर। 1833 का चार्टर एक्ट 1813 की चार्टर एक्ट का अगला कदम था। इसके माध्यम से चीन और चाय इस पर जो एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था, जिसे आपने अभी देखा कि 1813 की चार्टर एक्ट में एकाधिकार इस पर बनाए रखा गया था, उस एकाधिकार को भी यहां पर समाप्त कर दिया गया था। 1833 के इस शासन अधिनियम के जो माध्यम से एक और महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया था वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक है। और इसी तरीके से पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस प्रश्न का भी उत्तर यह था क्योंकि ये गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके थे, उसके बाद ही निर्णय आया। तो ऐसी स्थिति में ये गवर्नर जनरल भी अंतिम थे और प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को बना दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस तरीके से यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई। विधि सदस्य जो विधि से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है और उससे संबंधित कानून बनाने के लिए उसके प्रारूप को तैयार करता है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले सदस्य थे विधि सदस्य वो मैकाले थे, जिनको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था और इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और विधि संहिता का जो निर्माण किया गया। तो गवर्नर 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य के प्रावधान करते हुए मैकाले को के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधि संहिता का जो है निर्माण किया गया। तो इस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से
कुल मिलाकर 3 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, और इन तीनों ही प्रावधानों के माध्यम से ये एक्ट भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की वाणिज्यिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और क्रियान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। अगला एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट है। 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी के अधीन शासन के दौरान सबसे अंतिम एक्ट था जिसके द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए थे। तो 1853 का चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद को कार्यपालिका और विधायिका में वर्गीकृत कर दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका और विधायिका में वर्गीकरण कर दिया गया था। चूंकि गवर्नर जनरल की परिषद में 12 सदस्य थे तो 6-6 सदस्यों का जो है इसमें प्रावधान किया गया। 6 सदस्य विधायिका में और 6 सदस्य कार्यपालिका में शामिल हो गए। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका में परिषद का विभाजन कर दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान इसके माध्यम से स्थानीय के चार्टर एक्ट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। यहाँ पर ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से अपने स्वरूप में सीमित और छलावा से युक्त था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव और चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व की बात नहीं कही गई थी। यहाँ पर जो भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी वो विधायिका में भारत के चारों प्रांतों और प्लस न्यायाधीशों से मिलकर के बनाए जाने की बात कही गई थी। तो विधायिका के जो 6 सदस्य थे उसमें से चार सदस्य चारों प्रांतों यानी कि आगरा, मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन चारों प्रांतों से हो गए, और 2 में न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश, 1 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से विधायिका में ये प्रतिनिधित्व इस स्तर पर दिया गया। यहाँ पर किसी भी प्रकार की चुनाव की व्यवस्था नहीं की गई। तो इस तरीके से आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया गया लेकिन चुनाव की कोई व्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं स्वीकार किया गया। अगली महत्वपूर्ण बात जो 1853 के चार्टर एक्ट में था वो भारत में जो सिविल सेवाओं के माध्यम से चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का जो प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगिता का जो है प्रावधान किया गया, इसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी। तो ये देखा जाए कि खुली प्रतियोगिता एकदम कई मामलों में बहुत ही दोषपूर्ण थी, लेकिन यहाँ पर खुली प्रतियोगिता का जो प्रावधान इस 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। इसी के साथ 1853 का चार्टर एक्ट देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के द्वारा कंपनी को यहाँ पर कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान की गई, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के समय का उल्लेख नहीं किया गया था, अर्थात निश्चित समय का अभाव था, निश्चित समय की बात इसमें नहीं की गई थी। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से वर्गीकरण किया गया था, स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी लेकिन पूरी तरीके से दोषपूर्ण थी, लेकिन यहाँ पर खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रावधान किया गया था और निश्चित समय की इसमें बात नहीं की गई थी। निश्चित समय को सुनिश्चित ना करते हुए इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाता रहा। यहाँ पर 1853 के चार्टर एक्ट और 1858 के ब्रिटिश साम्राज्य के जो घोषणा पत्र थे उसके बीच की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही उथल पुथल वाली थी। ऐसी स्थिति में इस समय तक कंपनी का शासन बना हुआ था और 1858 के अधिनियम के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से
भारत में कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके लिए कुछ परिस्थितियां थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1776 ईस्वी और 1789 ईस्वी में क्रमशः अमेरिका और फ्रांस की क्रांति हो गई थी, जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता की, समानता की और भ्रातृत्व की भावना जागी हुई थी और देश आंदोलन करके स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की सरकार पर भी लगातार दबाव बन रहा था। और दूसरा महत्वपूर्ण कदम 1857 ईस्वी की क्रांति थी, जो इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजों के नीतियों के प्रति यहाँ पर असंतोष है और उस असंतोष को लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करने, व्यापार करने की नीति में अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा और यहाँ पर कंपनी के शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गए और ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से शासन संचालित होना प्रारंभ हो गया। तो आज के इस क्लास में संवैधानिक विकास के पहले चरण में 1765 से लेकर के 1853 और 1857 तक की जो है व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। भारत में संवैधानिक विकास का अगला, दूसरा और अंतिम चरण हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इसके साथ साथ अपनी पूरी भी तैयारी की बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।